नमस्कार, मेरा नाम सागर है और आज की इस वीडियो में मेगा बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। यहाँ पे बस हम ये जानेंगे कि मेगा बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स आपको अवेलेबल मिलते हैं, और ये जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है मल्टी यूजर है, यानी कि आपके पास अगर मल्टीपल्स टैब्स है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, और मल्टी पीसी कनेक्टेड भी है, और ये कम्प्लीटली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। कुछ कुछ चीज़ें ऑनलाइन है, जैसे कि ईमेल एंड एसएमएस फीचर। और ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत इजी टू यूज है, एंड कोई भी आपके पास बिजनेस, चाहे वो रिटेल का स्टोर हो, गारमेंट का स्टोर हो, या फिर आपके पास हार्डवेयर का स्टोर हो, कोई भी बिजनेस टाइप हो, या हर एक बिजनेस टाइप में आप यूज कर सकते हैं, इवन आपके पास मोबाइल का स्टोर भी अगर रहे तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे पिन टाइप करता हूँ अपना, तो मुझे ये चार ऑप्शन पूछता है कि मुझे बैक ऑफिस में जाना है या फिर फ्रंट ऑफिस में जाना है। पीओएस यानी कि जहाँ पे आप बिलिंग करते हैं, बैक ऑफिस जहाँ पे आपका जो बिलिंग है यानी कि बिल बना हुआ है ऑलरेडी, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका अकाउंटिंग रिपोर्ट हो गया, प्रोडक्ट ऐड करना, सप्लायर्स की एंट्री, आपका रेंट डालना, बैंक अकाउंट मैनेजमेंट, ये सब बैक ऑफिस में आप कर सकते हैं। तो चलिए सेल्स पैनल आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे, हर दिन जैसे आपका सेल्स पैनल खोलेंगे तो आपको पूछेगा कि आपका कैश ओपनिंग अमाउंट क्या है, क्योंकि जब भी हम दुकान में जाते हैं तो ड्रॉर में कुछ ना कुछ कैश अमाउंट रहता है, ताकि आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो वो उसको ट्रैक कर सके। तो मान के चलिए कि 5,000 का हमने आज का कैश अमाउंट ओपन किया और ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया। अब यहाँ पे आप कैसे बिल बनाएंगे, ठीक है? बिल कैसे बनाएंगे, ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये आपके सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आपको दिखता है, ठीक है? आप यहाँ से क्लिक करके भी बिल बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके भी बिल बना सकते हैं, ठीक है? दो तरीका है आपके पास। अगर आपके पास माउस एंड कीबोर्ड है तो भी ये सॉफ्टवेयर यूज हो पाएगा, आपके पास अगर टच स्क्रीन पैनल है तो भी ये सॉफ्टवेयर यूज हो पाएगा। हमने इसको ऐसे डिजाइन किया है ताकि टच पैनल पे भी चल जाए, या फिर कीबोर्ड माउस से भी आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक बिल बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कुछ अगरबत्ती सेल हुआ हमसे, कुछ केक्स हमने सेल किया, कुछ चॉकलेट्स हमने सेल किया, टोटल बिल बन गया देखिए 455, जिसमें आइटम का क्वांटिटी है 10, और मतलब आइटम नंबर है 10 और क्वांटिटी हो गया 10, क्योंकि हमने सबसे एक एक पीस ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है? जैसे ही मैं पे क्लिक करूंगा या फिर F2 में क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ग्रांड टोटल हो गया हमारा 455 रुपये का, और हमारा कस्टमर हम अभी जो पे करेगा वो कौन से मोड से पे कर रहा है। देखिए हमारे पास कैश है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वॉलेट के अंदर आप UPI सेट कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब। और क्रेडिट यानी कि उधारी, अगर आप कस्टमर आपसे उधारी लेता है तो यहाँ पे उधारी कस्टमर भी मैनेज कर पाएंगे। और लॉयल्टी कार्ड है, अगर लॉयल्टी कार्ड वाला सिस्टम आप करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मान के चलिए 455 का बिल हुआ, कस्टमर हमें 500 रुपये कैश पेमेंट किया, ठीक है? हमने 500 एंट्री किया यहाँ पे, और जैसे ही कैश पे क्लिक किया तो वो हमें तुरंत दिखा देगा कि हमें और 45 रुपीज जो कि कस्टमर को वापस करना है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसको ऐसा डिजाइन किया गया है ना कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिमाग नहीं लगाना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सब कुछ प्रोसेस करेगा आपके लिए। कितना चेंज देना है, अगर आप कोई बंदा प्रोडक्ट कुछ रिटर्न करता है बाद में तो भी कितना चेंज देना है, क्या मेंटेन करना है, क्या क्या सेल हो रहा है आपका, टॉप 10 क्या सेलिंग आइटम है, टॉप 10 क्या लीस्ट सेलिंग आइटम है, कौन सा आइटम का जल्दी एक्सपायरी डेट खत्म होने वाला है, हर एक चीज ये मैनेज कर लेगा सॉफ्टवेयर अपने आप, ठीक है? अब मान के चलिए हम प्रिंट निकालते हैं, ठीक है? ATM का मतलब जो छोटा थर्मल प्रिंटर है उसके थ्रू हम प्रिंट निकालते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी प्रिंटर यहाँ पे अटैच नहीं है या फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं PDF में इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है? तो हम इसको टेस्ट फाइल करके सेव कर देते हैं। देखिए ये अजय PDF में सेव हो गया। अब मैं आपको एक टेस्ट फाइल का दिखाता हूँ कि कैसे बिल प्रिंट होगा। देखिए कितना बढ़िया बिल प्रिंट हुआ है आपके लिए। यहाँ पे आपका ब्रांडिंग आ जाएगा, जैसे कि ये मेरा कंपनी का नाम है तो ये मेरा कंपनी का नाम और डिटेल्स दिखा रहा है। आपका अगर मान लीजिए आप क्या बोलते हैं GST नंबर वगैरह है तो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। आप ये बैकएंड में यानी बैक ऑफिस में सेट कर सकते हो, ठीक है? इनवॉइस का नंबर, ये जो INV करके कोड आ रहा है ना, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए, ठीक है? इनवॉइस डेट, सॉरी कौन सा डेट में इनवॉइस बना और उसका एग्जैक्टली टाइम सेकंड के साथ, ऑपरेटर का नाम, क्योंकि ये मेरे कंपनी के नाम पे है तो मेरा कंपनी दिखा रहा है। मान लीजिए कि कोई आपका सेल्स पर्सन है या फिर कोई एम्प्लॉय है जिसका नाम यहाँ पे होगा तो उसका नाम दिख जाता है यहाँ पे। सारे प्रोडक्ट, उसका कितना रेट है, कितना क्वांटिटी है, अमाउंट क्या क्या है, टोटल आइटम, टोटल क्वांटिटी कितना है, कितना कैश कस्टमर ने पेमेंट किया था, कितना चेंज आपने कस्टमर को प्रोवाइड किया है, टोटल कितना हुआ, उसमें GST कितने लगे और टोटल कितना प्राइसिंग हो गया, ठीक है? और इसमें ये भी दिखाता है कि
5% वाला जीएसटी कौन सा था, 18% का जीएसटी कितना लगा हुआ, ठीक है। और ये आपका बारकोड हो गया, ये थैंक यू फॉर विजिट अगेन। ये जो फोटो लाइन है ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे और भी कुछ ऐड करना है तो आप वो डाल सकते हैं। एक ओवरव्यू वीडियो है इसलिए मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ऐसे बिल निकल जाता है। सेम बिल अगर, जैसे मेरे सेम बिल में फिर से रिप्रिंट कर रहा हूँ, सेम बिल अगर मुझे A4 में देखना है तो देखिए कैसे दिखता है। अभी मैंने A4 पे क्लिक किया, देखिए A4 में ऐसे दिखेगा। साइड में यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, क्योंकि मैंने लोगो अपलोड नहीं किया है। ये आपका डिटेल्स है, इनवॉइस नंबर, टाइम, सारे प्रोडक्ट का नाम, उसके यूनिट्स, प्राइस, नीचे बार कोड एंड रेट, ये सब डिटेल्स है। सर जीएसटी नंबर कितना लगा, आपका अमाउंट क्या है, नेट अमाउंट कितना रहे, और यहाँ पे A4 साइज में ये बिल आप बना के भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास प्रिंटर नहीं है, फिर कस्टमर को ऑनलाइन चाहिए, यहाँ पे कस्टमर का ईमेल आईडी टाइप करिए, सेंड PDF एज रिपोर्ट करिए, ये जो फाइल है कस्टमर को ईमेल के थ्रू भी मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल, ऐसे आपको बिल बनता है। और थोड़े से अगर ज़्यादा फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको, जैसे कि आपके बिजनेस में उधारी कस्टमर आते हैं, यानी कि उधारी लेते हैं, तो आपको क्रेडिट कस्टमर भी यहाँ से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ हो गया बैक ऑफिस में, मैं आपको बैक ऑफिस लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस और मिल जाते हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, जैसे कि कंपनी इन्फो, यहाँ पे आपका कंपनी इन्फो आप सेट कर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह चेंज करके, पोस्टल कोड हो गया, GST नंबर आपका, अगर FSSAI लाइसेंस वगैरह है, ये सब यहाँ पे आप बैक ऑफिस में सेट कर सकते हैं। प्रिंटर सेट कर सकते हैं, फिर आपका जैसे कि पेरोल सेट करेंगे, अगर आपका कोई एम्प्लॉइज वगैरह है उनको पेरोल आप प्रोवाइड करें तो पेरोल सेट कर पाएंगे। सेल्समैन है, अगर कोई सेल्समैन है तो सेल्समैन डिटेल्स और उनका कमीशन यहाँ पे सेट कर पाएंगे। फिर आ गया कैटेगरीज, कैटेगरीज इन में आप देखिए ये सारे कैटेगरीज हमने डाल के रखे हैं ऑलरेडी डेमो में, आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरीज डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मास्टर में अगर कुछ नया प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर पाएंगे, वहाँ पे बारकोड सेट करके उनका परचेज कॉस्ट क्या है, सेल्स कॉस्ट क्या रहेगा, उसका इमेज अगर आपको चाहिए तो इमेज एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, फिर एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब डाल के यहाँ पे प्रोडक्ट एंट्री कर सकते हैं। ये वन वन आप एंट्री कर पाएंगे, या फिर अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तो एक्सेल फाइल के थ्रू आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक एक वीडियो आपके लिए हर दिन बना के भेजूंगा, या फिर हर दूसरे दिन ही अपलोड होता रहेगा, ताकि हर एक फीचर के बारे में हम डिटेल में बातचीत कर पाए। एक छोटा सा वीडियो रहेगा क्योंकि एक कंप्लीट ओवरव्यू जानकारी देखने की क्या क्या फीचर हमारे पास अवेलेबल है। सप्लायर्स, आप जहाँ से माल परचेज करते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट्स जो सप्लायर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उनके डिटेल्स यहाँ पे आप मेंटेन कर पाएंगे, ताकि जब भी उनसे कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, या फिर आप उनको कुछ पैसा दे रहे हैं, या फिर उनसे कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। क्रेडिट कस्टमर मैंने अभी आपको दिखाया, जो उधारी कस्टमर होते हैं उनको मैनेज करने के लिए प्रोफाइल है, कितना उधारी बचा है, कितना उन्होंने हमसे परचेज किया है, कितना लिया हुआ है हमसे, ये सब दिखेगा हमें। कोटेशन, किसी को अगर आप कोटेशन भेज रहे हैं, यानी कि कोई मान लीजिए शादी ब्याह हो गया और आपके पास आ गया कि मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर की इतना प्रोडक्ट को मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, तो आप कोटेशन भेज सकते हैं। परचेस ऑर्डर आप दे सकते हैं, कोई सप्लायर को आप अगर ऑर्डर देना चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ें ऑर्डर चाहिए, प्रिंट आउट निकाल के या फिर मेल करके, तो परचेस ऑर्डर में परचेस दे सकते हैं। और परचेस में जो भी आप सप्लायर से परचेज किए होंगे प्रोडक्ट, यहाँ से वो सप्लायर से, सॉरी सप्लायर परचेस एंट्री से आप डाल सकते हैं। सप्लायर आईडी से आप सप्लायर का चीज़ें डाल सकते हैं। देखिए मैंने अभी एक सप्लायर यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो बैलेंस आ गया 620 रुपये, जो कि क्रेडिट पे है अभी, ठीक है। वहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है, फिर बारकोड स्कैन करके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1234 हमने एंट्री किया, तो ऑटोमेटिक देखिए, सॉरी आई थिंक इस बारकोड में कोई प्रोडक्ट, हाँ जी प्रोडक्ट आ गया राइस 112 देखिए, और जो प्रीवियस परचेज था वो 400 रुपीज़ का था, तो अभी आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक पैकेट खरीदा जिसमें 10 पैकेट राइस थे, और अभी इसका परचेज कॉस्ट जो कि 500 रुपये है, और एक्सपायरी डेट होगी मान के चलिए 30 तारीख का है, मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 तारीख का है, अब इसको ऐड कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, तो ये आपके इन्वेंट्री में ऐड हो गया, और 10 पीस राइस, ठीक है, इस टाइप का। फिर परचेस में से अगर कुछ रिटर्न करना है, तो परचेस रिटर्न में एंट्री करके आप वो परचेस को रिटर्न कर सकते हैं अपने सप्लायर्स को। सेल्स रिटर्न में अगर ऑलरेडी आपके कुछ प्रोडक्ट कस्टमर को सेल हुआ है और बाद में कस्टमर वो रिटर्न करता है, तो सेल्स रिटर्न में आप उसको एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट, मान लीजिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, आपने उसको एंट्री किया हुआ था, लेकिन गलती से आपने 10 एंट्री किया था, लेकिन बाद में आपको पता चला कि उसका 20 प्रोडक्ट है, यहाँ पे 30 पीसेस है, तो स्टॉक एडजस्टमेंट में जाके उसको आप 30 कर सकते हैं क्वांटिटी चेंज करके।
डैशबोर्ड में आपको दिन भर का सेल दिखेगा, टोटल आपने कितना सेल किया हुआ है, टोटल आपका कितना परचेस हुआ है, कितना रिसिप्ट आपने जनरेट किया, टोटल कोटेशन कितना है, तो हर एक चीज आपको शॉर्ट फॉर्म में ये दिख जाता है ट्रांजेक्शन। ठीक है, पेमेंट्स में सप्लायर को जब आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट आपने परचेज किया तो उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जैसे आप सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने ये सप्लायर को सिलेक्ट किया, देखिए अभी इसका ड्यू है 5,620। तो अगर आप कस्टमर सप्लायर को कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कि मान लीजिए अभी 1,000 रुपये का आपने पेमेंट किया, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं वापस जाके चेक करूंगा अभी वो सप्लायर का कितना पेमेंट बाकी है, सॉरी पेमेंट एंट्री में मैं यहाँ पे सप्लायर्स को क्लिक करता हूँ, देखिए 4,620 रुपये आ गए, 1,000 रुपये कम हो गए, तो यहाँ पे सप्लायर्स एंट्री भी है। फिर आपके पास आ जाता है वाउचर एंड एक्सपेंसेस। वाउचर एंड एक्सपेंसेस में आप क्या मैनेज करेंगे, जैसे आप घर का रेंट, सॉरी दुकान का रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल जाता है, कुछ रिपेयर वर्क हुआ, सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो वाउचर एक्सपेंसेस में आप अपना एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे, ताकि जो आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, आपके टोटल प्रॉफिट में से वो माइनस होता है, ताकि आपको पता चलेगा एट द एंड कि आप कितने प्रॉफिट में कितने लॉस में। बारकोड प्रिंटिंग में आप क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट के पीछे अगर बारकोड नहीं रहता है, जैसे कि गारमेंट के प्रोडक्ट हो गए, या फिर कोई जैसे खुले में हम कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए अगर आपको बारकोड जनरेट करना है, तो आप यहाँ से बारकोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि हमें अगरबत्ती का बारकोड जनरेट करना है, 4 ये 5 प्रोडक्ट आ गए, अभी हमें 15 to 25 mm साइज के प्रोडक्ट एक एक कॉपी निकालना है बारकोड, इसमें क्लिक करिए, सारे प्रोडक्ट के एक एक बारकोड यहाँ पे जनरेट हो गए। आप नॉर्मल इसको प्रिंटआउट निकाल सकते हैं और आपके प्रोडक्ट के पीछे लगा के इसको बिल बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया पीओएस शिफ्ट क्लोजिंग रिपोर्ट। जैसे ही हमारा शिफ्ट क्लोज होता है, फिर आपके एम्प्लॉयज का शिफ्ट क्लोज होता है, यहाँ पे क्लोज रिपोर्ट दिखाता है, जैसे कि ये ओपनिंग के टाइम पे 5,000 का कैश था, फिर क्लोजिंग के टाइम पे कितना कैश हुआ है, कितना एडजस्ट हुआ है, ये सब रिपोर्ट आपको दिखता है, ताकि आपके पास ट्रांसपेरेंसी रहे करके। पीओएस रिकॉर्ड में आपको कब लॉग आउट हुआ था, कब लॉग इन हुआ था, कितने अमाउंट का बिल बना है, देखिए टाइम के हिसाब से, ये इनवॉइस नंबर जो 2020 है और 2:19 पे बिल बना हुआ था, तो कितना कैश अमाउंट आपने लिया, कितना चेंज प्रोवाइड किया, हर एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करेगा सेल्स का। ठीक है, पीओएस रिपोर्ट में आपको हर एक चीज का, हर एक टाइप का रिपोर्ट आपको दिखेगा, जैसे कि टॉप 10 बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है, टॉप 10 लीस्ट सेलिंग आइटम क्या है, बेस्ट कैटेगरी टॉप 10 का क्या सेल हो रहा है आपके स्टोर पे, टॉप 10 लीस्ट कैटेगरी क्या सेल हो रहा है आपका, जो आपके कस्टमर यूजर्स आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा कौन सा यूजर आपका ज्यादा सेल ले रहा है, फिर सेल्स का लेजर यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं एक डेमो दिखाता हूँ कि आज की डेट में हमने कितना सेल किया, कितना क्रेडिट पे बेचा, ये सेल्स का लेजर है, देखिए 14 डेट में हमने टोटल सेल किया है इतना, 7,178 रुपये का, और टोटल टैक्स हमने दिया है, टोटल टैक्स इसमें इतना दिया है करके। कैटेगरी वाइज भी हम फिल्टर लगा सकते हैं कि हमने अगरबत्ती कितना सेल किया, एक कितना सेल किया, हर एक टाइप का हम डेटा यहाँ से पीओएस रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। फिर आपके पास आ गया प्रोडक्ट लेजर में, सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स आप चेक कर पाएंगे, कैश सेल्स में सारे कितने कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है वो आप देख पाएंगे, क्रेडिट कार्ड में भी सेम जाता है, डेबिट कार्ड में भी कितना सेल किया है वो दिख गया आपको, वॉलेट में कितना सेल किया वो आपको दिख जाता है, और क्रेडिट कस्टमर यानी कि जो उधारी में आपने जितना दिया होगा वो भी आपको दिख जाता है। ठीक है, सेल्स हिस्ट्री भी है यहाँ पे, और बहुत सारे मतलब आप जो भी रिपोर्ट सोच सकते हैं दिमाग में, मोस्टली हर एक चीज आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा, ये पीओएस रिपोर्ट में आता है। ठीक है, अभी हमारे पास उससे भी एडवांस लेवल की रिपोर्टिंग है, जो कि अकाउंटिंग रिपोर्ट है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री है, कितना प्रॉफिट लॉस में, मान के चलिए 1 तारीख से लेकर 14 तक हम कितना प्रॉफिट लॉस में, बस एक क्लिक करिए आपके पास प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट आ गया, देखिए आपका नेट प्रॉफिट जो कि वो इतना है 2,423, और वो कैसे ही प्रॉफिट आए उसका कैलकुलेशन यहाँ पे भी आपको दिख जाता है। ठीक है, फिर बैलेंस शीट आप देख सकते हो, कितना टैक्स भर रहे हो, टैक्स समरी हो गया, कार्ड प्रोसेसिंग हो गया, डिलीटेड इनवॉइस, अगर कोई इनवॉइस आपने गलती से डिलीट किया होगा तो उसका रिपोर्ट भी आपको आ जाता है यहाँ पे। फिर सप्लायर वाइज सप्लायर का लेजर भी देख सकते हो, मान के चलिए एक सप्लायर इसका हमने सिलेक्ट किया है, 1 से लेके 14 दिन का उसका लेजर देखना है सप्लायर का, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस क्या है, परचेज किया आपने, पेमेंट किया था, ये सब रिपोर्ट। फिर आपके पास जनरल डे बुक आ जाता है, जनरल लेजर आ जाएगा, कैश बुक, कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना लो स्टॉक में है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है, ये सब आ जाता है। फिर आपके पास सेल्स रिटर्न का हिस्ट्री, हर एक टाइप का कस्टमर रिसिप्ट, पेमेंट सप्लाई, हर एक चीज का रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये सारे रिपोर्ट आप आपके मेल पे भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली, तो थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम भी हमने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है।
तो ये कंप्लीट ओवरव्यू वीडियो है सॉफ्टवेयर का। आगे आने वाले वीडियो में हम हर एक चीज को कवर करेंगे कि जैसे बिजनेस में प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, कि आप ये सॉफ्टवेयर को कैसे रन करेंगे, ठीक है, जैसे कैसे प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे, कैसे आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज करेंगे, फिर बाय वन गेट वन ऑफर अप्लीकेबल करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और बैक ऑफिस में दिखा देता हूँ, हमारे पास वो भी फीचर है। अगर आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री है, ठीक है, ये ऑफर आप अप्लीकेबल कर सकते हैं, डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। यूजर राइट्स, यानी कि आपके पास अगर आपका कोई एम्प्लॉई है जिसको आप नहीं चाहते हैं कि ये सब एक्सेस दिखे या फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट दिखे, तो आप यूजर राइट्स में जाके उनका ये एक्सेस बंद कर सकते हैं, एसएमएस सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर यहाँ पे अवेलेबल है, और आगे आने वाले वीडियो में सारे वीडियोस आपको आ जाएंगे एक एक ट्यूटोरियल के हिसाब से, ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। डीपली हम बात करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कैसे हम सप्लायर मैनेज करते हैं, कैसे बिल बनाते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, फिर आपके बिजनेस के लिए आप ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फ़ोन नंबर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए उनको, और आप 7 डेज का फ्री डेमो लीजिए आपके पीसी में या सॉफ्टवेयर में यूज़ करिए, और फिर जाके आप आपके बिजनेस में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।